यहाँ भी अपना पट्टा नहीं खोलेगी क्योंकि इसको दुकान में धूप लगी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी मैं और गुंजन निकल चुके हैं जूडियो, पहुंच चुके हैं जूडियो और यहाँ की लेटेस्ट कलेक्शन आज एक्सप्लोर करते हैं। साथ का सेम टॉप है मेरे पास, पर्पल वाला। सो गाइस, ये है हमारा आज का आउटफिट। गाइस, जूडियो घुसते ही हम सबसे पहले पहुंचे 599 वाले सेक्शन में। हमने सोचा था कि पहले एथनिक सेक्शन एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर वेस्टर्न वाला। तो यहाँ पे 599 में सबसे पहले हमने देखा था ये क्यूट सा श्रग जो कि ग्रीन और क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन था। उसके बाद वो चिकनकारी वाला टॉप, वो बहुत ही प्रिटी था और वो भी 600 में था। मतलब 599 के अंदर आपको ये जितने भी टॉप्स दिख रहे हैं वो सारे 599 के थे। ये वाला कलर जो गुंजन ने दिखाया था वो भी काफ़ी प्रिटी लग रहा था। एंड उसके बाद हमारे पास ये ग्रीन कलर था और इसमें पिंक कलर था और मैं ये गुंजन को दिखा रही थी कि उस पर काफ़ी अच्छा लगेगा, बट उसे वो वाइट वाला पसंद आ रहा था तो वो चेकआउट कर रही थी। देन हम पहुंचे ड्रेसेस देखने। ये जो ड्रेस थी इसका प्राइस था 899 रुपीज़ और ये सारे साइजेस में अवेलेबल थी और उसका पैटर्न काफ़ी अच्छा लग रहा था। देन हमने देखी ये वाली ड्रेस, ये भी शायद 900 के करीब थी बट वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। उसके बाद गुंजन का तो इस वाली ड्रेस पे दिल ही आ गया था और वो बार बार इसे ही उठा रही थी और एंड में उसने फिर ट्राई भी किया इसको। उसके बाद जो आप ये पिंक वाली ड्रेस देख रहे हो, इसमें काफ़ी सारे पैटर्न्स अवेलेबल थे, जैसे कि ये पिंक वाला एंड उसके साइड पे जो ग्रीन वाला है वो सारे पैटर्न सेम ही थे ऑलमोस्ट, बट कलर का डिफरेंस था। और ये भी सारे बहुत ही जेन्युइन अमाउंट में थे। और ये वाला जो देखा था वो 1000 रुपीज़ का था, ब्लैक वाला ड्रेस। एंड देन फिर हम और चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे तो फिर मुझे दिखा ये क्यूट सा टॉप जो कि काफ़ी सारे साइजेस में अवेलेबल था। एंड देन मुझे लगा कि यार अभी सर्दी आ रही है तो गर्मी का स्टफ़ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं ये जंपर्स देख रही थी और इसमें भी दो कलर्स अवेलेबल थे, एक ये क्रीम वाला और एक ये पिंक वाला। तो मैं इसमें साइज चेक कर रही थी तो ऑलमोस्ट सारे साइजेस अवेलेबल थे और कलर और स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद फिर हम लोग देख रहे थे ये ड्रेसेस। ये ड्रेसेस आई थिंक 699 रुपीज़ की थी और इस ड्रेस को देख के ना मुझे मेरी स्कूल यूनिफॉर्म की याद आ गई। और इसमें ना तीन कलर्स थे और मुझे पर्सनली ये ग्रीन वाला काफ़ी अच्छा लग रहा था और सारी बेसिकली इंडियन स्किन टोन्स पे ग्रीन कलर काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे ग्रीन कलर पसंद है, बट आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हो। उसके बाद ये भी जो ड्रेसेस थी 699 रुपीज़ में थी एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि जूडियो में आज इतना अच्छा स्टफ आया हुआ था। मे बी सारा न्यू आया है या जो भी है, बट इतना सारा सामान मैंने जूडियो में कभी भी नहीं देखा। तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि इतना सारा स्टफ और वो भी इतना अच्छा, इतने जेन्युइन प्राइस में था कि मज़ा आ गया सारा स्टफ देख के। तो ये जो ड्रेस थी पहले तो मुझसे गिर गई थी, बट फिर मैंने गुंजन को बोला कि यार तू पकड़ के दिखा। सो वो इसे सेट करके दिखा रही है, बट इसका जो गला था ना गाइज वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए हम ये नहीं ले रहे थे। बाकी सबका अपना अपना कंफर्ट जोन है, वो आप चाहो तो आप बाय कर सकते हो। और उसके बाद ये वाली ड्रेस ग्रीन कलर की थी, ये चिकनकारी वर्क में थी थोड़ी और ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसके बाद कुछ शॉर्ट टॉप्स थे और यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्जरे सेक्शन है, तो अगर आप चाहो तो लॉन्जरे सेक्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये ग्रीन कलर का नाइट सूट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप चाहे तो अलग से टी शर्ट ले सकते हो, ट्राउज़र अलग से ले सकते हो। अगर आप दोनों को पेयर अप करके लेना चाहते हो तो आप वैसे भी ले सकते हो। और इसमें दो कलर्स थे, ग्रीन और पिंक। उसके बाद ये कुछ मिडी स्टाइल में थी टी शर्ट्स लॉन्जरे में ही, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसके बाद ये ट्राउज़र्स थे, मुझे ये ब्लैक वाला काफ़ी अच्छा लगा, इसका स्टफ़ काफ़ी थिक था और इसे आप विंटर में भी वेयर कर सकते हो जब बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती। और उसके बाद मुझे साइड पे ये वाले भी दिख रहे थे नाइट सूट, काफ़ी अच्छे थे। और ये मैं इसका प्राइस चेक कर रही थी, ये मुझे बार बार गिर रहा था, बट आई वॉज सरप्राइज कि ये ट्राउज़र सिर्फ 500 रुपीज़ का था और इसका स्टफ़ इतना अच्छा था, फैब्रिक क्वालिटी वॉज 5/5, मतलब काफ़ी अच्छा स्टफ़ था। उसके बाद फिर मैंने और नाइट सूट्स देखे लेकिन मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आया। इसका स्टफ़ वाइट वाले का इतना अच्छा नहीं था जितना ब्लैक वाले ट्राउज़र का था।
सो उसके बाद मुझे एक ये वाला नाइट सूट इतना सुंदर था गाइज, ये नाइट सूट, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि इसका जो ट्राउजर था ना वो नीचे से जॉगर स्टाइल में था और इसका प्रिंट इतना रॉयल लग रहा था कि देखने में, इसको फील करने में कपड़े को काफ़ी मज़ा आ रहा था। बट अगेन मुझे ना ट्राउजर का डिज़ाइन इतना कुछ खास नहीं लगा। मैं ज़्यादातर, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है कि रात को जितना हो सके कम्फर्टेबल और लूज कपड़ों में सोना चाहिए। इनफैक्ट दिन में भी यार हमें स्टाइल करना चाहिए अपने आप को कंफर्टेबल होकर, ना कि फैशन के चक्कर में हम अनकंफर्ट हो जाते हैं, तो मैं वो प्रेफर नहीं करती। आई थिंक कंफर्टेबलनेस जो होती है वो बंदे की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए क्लोथ्स को लेके। एंड देन उसके बाद मैंने काफ़ी सारे ट्राउजर्स देखे और यहाँ पर इन्होंने जो लॉन्जरी सेक्शन में टी शर्ट्स और ट्राउजर थे वो इतने अच्छे लग रहे थे, मतलब आप उसे एज अ गॉड सेट भी पहन सकते हो। जो ये साइड पे आपको पर्पल वाला दिख रहा है ना, उसके साथ सेम पर्पल ट्राउजर भी था जो कि बहुत बहुत क्यूट लग रहा था। और ये वाला कलर भी आजकल इतना ट्रेंड में है और काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट इसके दो तीन ही ट्राउजर्स थे तो साइज़ मिलना थोड़ा मुश्किल था, बट मुझे मिल गया। मैंने स्मॉल या मीडियम साइज़ कुछ तो उठाया था और एंड में इसकी टी शर्ट भी ली थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद टी शर्ट्स इतनी अच्छी थी कि नज़र ही नहीं हट रही थी, मतलब मन तो कर रहा था कि सब कुछ ट्राई करके ले लूं, बट इतना टाइम नहीं था तो फिर बस जो चीज़ें चाहिए थी वही उठाई फटाफट से। एंड में आपको दिखाऊंगी जब ट्राई किया क्या क्या ट्राई किया, क्या अच्छा लगा। और मीनवाइल मैं वीडियो शूट कर ही रही थी, गुंजन पता नहीं गुम गई थी तो मुझे उसको भी ढूंढ के लाना था। तो फिर मैं लॉन्जरी सेक्शन में अभी आपको थोड़ा ग्लिम्प्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग चीज़ें मिल जाएंगी, पैक्स में भी हैं। और हाँ, का लॉन्जरी सेक्शन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक बार ट्राई करो, बहुत अच्छा फैब्रिक होता है, चीप बिल्कुल भी नहीं होता, क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी होती है। तो ये गुंजन मुझे अब दोबारा से ले आई है ड्रेसेस वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे ये मुझे दोबारा दिखा रही थी कि कुर्तियों में और ड्रेसेस में काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं। और ये ब्लू वाला ड्रेस इसको अपनी मम्मा के लिए पसंद आया था, बट देन उसमें साइज़ नहीं था, उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज साइज़ था, बट उसको मीडियम चाहिए था तो उसे नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लाजोज आपको ब्राउन, बेज, क्रीम कलर में आपको प्लाजोज भी मिल जाएंगे और 300 रुपीज़ में कुर्तियाँ मिल जाएंगी। और शूज़ का भी नया कलेक्शन आया था, स्लिपर्स का नया कलेक्शन आया हुआ है। ये वाली स्लिपर्स मैंने पहली बार देखी है जूडियो में और ये 600-700 के आसपास थी, बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी कंपैरेटिवली। एंड ये आप देख सकते हो कितने कलरफुल शूज़ आ रखे हैं यहाँ पर और इनका प्राइस भी 700-800 होगा। देन 300 रुपीज़ में ये फ्लैट्स, गाइज ये फ्लैट्स इतनी इन हैं, मैंने इतने सारे यूट्यूबर्स को ये वाली फ्लैट्स खरीदते हुए और पहनते हुए देखा है और वो लोग ऐसा बोलते हैं कि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो आज मैंने जब पर्सनली इसको पहन के देखा तो आई जनरली फील लाइक कि हाँ यार, जूडियो की 299 वाली स्लीपर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद मैंने ट्राई किया था पर्पल कलर का टी शर्ट और ट्राउज़र, ये दोनों आपस में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बट मुझे पर्सनली इतना लंबा टी शर्ट नहीं चाहिए था, मैं चाहती थी कि मुझे कुछ शॉर्ट में मिले, बट इसकी लेंथ काफ़ी लंबी थी। और इधर गुंजन अपना डिसाइड कर रही थी कि उसे कौन सी वाली ड्रेस लेनी है, तो फाइनली उसने ये वाली ड्रेस ट्राई करी और ये गुंजन पे काफ़ी अच्छी लग रही थी। और मैं गुंजन को बता रही थी कि इसे तू कैसे कैसे पेयर कर सकती है वाइट प्लाजो के साथ या एज अ ड्रेस, बट उसे ना इसका गला थोड़ा डीप लग रहा था एंड शी वाज सेइंग कि वी हैव टू बी अ स्पेगेटी इनसाइड दैट। तो बस उसे ये वाली ड्रेस पसंद आई और उसने ये ले ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।